अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब दोस्त ठीक ठाक हैं? ले जी, पट्टी पे जो जानवर है ना, इस टाइम तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और धुंध अभी तक नहीं आ सी गई। ये पट्टी में जो जानवर है ना, सिंधी बकरे, देसी बकरे, ये सारे मिक्स हैं और इनका आपको रेट लेके देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये बकरे किस रेंज में है, क्या क्या डिमांड कर रहे हैं इन बकरों की, ये चेक करें। सारे देसी सिंधी मिक्स पर क्रॉस बकरे हैं भाई के पास। भाई ये क्या पैसे मांग रहे हैं इन बकरों के? 28,000 रुपया ले लिए। बकरे चेक कर लें आप, देखो इनके पास 12-13 बकरे खड़े हैं। 28,000 पुट्ठा, ये चेक करें बकरे, ये इनकी हाइट और कद शद आपके सामने है। देसी सिंधी क्रॉस में बकरे हैं ये। 28,000 पुट्ठा मांग रहे हैं ये। 28,000 मांगे, 1,500 कमी पेशी होगी बस, इनमें मजीद नहीं करेंगे ये। अगर कोई इनसे 2-4 लेता तो 28,000 पुट्ठे के हिसाब से। अब वो आ गए हैं, उनको इन्होंने पट्टी पे खड़ा नहीं होने देना, इन्होंने इनको तंग करेंगे, भगाएंगे यहाँ से। ये चेक करें भाई, इनके सारा यानी काटू माल में ही कंसिडर किया जाता है इनको, क्योंकि इनमें कोई ना कोई ऐब नुक्स है जो 28,000 मांग रहे हैं। सेहतमंद जानवर हो उसने कहना भाई 35,000-32,000 ये मांगते हैं उनको। ये चेक करें, देसी हैदराबादी मुंदरे हैं ये। ये चेक करें, इनका 20-22-18 मांगते हैं, थोड़ी बहुत कमी पेशी के साथ ये दे देते हैं। ये चेक करें जानवर सर्दी से, ये इसके रेट पूछते हैं। ये डब्बा अच्छा है, इसका पूछते हैं, ये काला डब्बे का पूछते हैं, काला डब्बा भी अच्छा है। और ये काला डब्बा कितने का? ये वाला 65,000 रुपया। ठीक है, वो चीना? हाँ चीना। हाँ जी, इधर 35,000। 35,000 लाल, उधर 35,000 रुपया जिनका मांग रहे हैं। ये चेक करें, ये जी 35,000 रुपये इन बकरों की कीमत है। ये चेक करें, ये जी सारे जो 4 बकरे आप देख रहे हो, ये 35,000 रुपये इनकी कीमत है इन बकरों की। शाहपुर कांजरा भाईजान आप आके देख सकते हो। अच्छा, इन अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जो 35,000 मांग रहे हैं ना बकरों का, 35,000, ये बकरे धोंदे चौके हैं, इन्होंने मज़ीद हाइट नहीं करनी, इनकी हाइट वैसे छोटी है। ये आपको वीडियो में बड़े लग रहे होंगे लेकिन ये बकरे छोटे बकरे हैं। अब ये देखिए, अभी कुछ 10-12 बकरे खड़े हैं पुट्ठे के हिसाब से, यही माल पहले बाहर होता था। भाई कितने पैसे हैं इन बकरों के? हाँ, इसके कितने पैसे हैं? 30,000 रुपया ली डिमांड है ये। 30,000 पुट्ठे के हिसाब से कितने पैसे मांग रहे हो? पुट्ठे के हिसाब से कोई 2-4-5 लेना चाहता तो पुट्ठा क्या दोगे रेट? दे देंगे 26,000। 26,000 को पुट्ठा दे देंगे जी फाइनल। 30-30 मांगा है ये सारे इनके बकरे देख लें भाई जन। ये जो पुट्ठा है किसी भाई ने लेना हो ये दे देंगे जी आपको 26,000 रुपये का। अगर 2-4 लेते हो, डिमांड 30,000 है, वो सामने वाले 35,000 रुपये की। ये जी मुने हुए छतरे हैं सारे, ये थर का माल है। ये चेक करें, इनमें कुछ मुने हुए हैं और कुछ की मुनाइयाँ होनी हैं। और भाई से पैसे पूछता हूँ, भाई कितने कितने पैसे मांग रहे हो इनके ऐ पोते का? हाँ 45,000। वो अगला चिट्टा पोता 55,000। ऐली जोड़ी 60,000 की जोड़ी मिलेगी, यानी कि डिमांड आप देख लो इनकी 30,000 रुपये का। एक डिमांड कर रहे हैं 30,000, जिसका 45 मांग रहे हैं, यानी कि डिमांड कर रहे हैं इतनी, लेकिन कमी पेशी हो जाएगी पर पैसे फिर भी ये बचा ज़्यादा मांग रहा है। बहरहाल जी, चीज़ के हिसाब से पैसे हैं। आप आओ इधर, इनके रेट लगाओ, 20 से स्टार्ट करो, 22-23-24 का जानवर बन जाएगा आपका। ले जी ये चेक करें भाई जान, ये जी इनके पास गबन बकरी हैं। मैं आपको इन बकरियों के भी रेट लेके देता हूँ, ये चेक करो भाई। अच्छा भाई, ये कितने पैसे हैं इस बकरी के? 45,000 है। देखिए गबन बकरी है, दोगली टैडी बकरी है, और कितना टाइम लेती है? 3 महीने लेती है भाई, अभी तकरीबन 3 महीने लेती है। ये चेक करें, ये चीनी बकरी कितने की है? ये 40,000 है। कितना टाइम लेती है ये? 2-2.5 महीने लेती है ये चीनी बकरी। तैयार है, कितने पैसे हैं इसके? इसके इसका 45,000 भाई। इन दांतों में पूरी बकरी हैं ये। अगर किसी में लेनी हो तो शाहपुर कांजरा मंडी आओ, तो इनका यहाँ पे बाड़ा है और ये हर बुधा त्यो माल लेके। ये इनके पास जानवर है, किसी में लेने हो। नागरी पाठ कितने की है? ये लाल। हाँ ये 35। 35,000 रुपये की। बहरहाल जी, ये जानवर आप चेक करो सारे। अगर किसी भाई ने कोई जानवर लेना हो इधर आके मंडी में, आप आके देखो, जो जानवर पसंद आता है आप यहाँ से आके ले लो।
ये चेक करें भाई जान, ये सारा आपको, ये आपको छतरों का रेट लेके दिया है, और ये चेक करें जी, आगे आपको दिखाते हैं ये नागरे, ये देसी बकरे हैं भाई के पास। भाई ये काला डब्बा कितने का है? 70 का, और लाल चीना 50,000। अपना नंबर बताओ, अपना फ़ोन नंबर इसका 35,000 है। 322-69-1717-036 ले लीजिए भाई के पास। देसी बकरे हैं, एक का 70 मांग रहे हैं, एक का इसका कितना मांगा था लाल का? 50, एक का 70 और एक का 50 और उसका 35। ये चेक कर लें भाई, एक तीनों बकरे खसी हैं, ये नहीं बछड़े लेके जा रहे हैं लोग जिन्होंने यहाँ से परचेज किए हैं। ये चेक करो भाई, हम नागरा, ये चीना, ये जी पकड़ी चीना। कितने पैसे भाई मांग रहे हो इसके? अगले कितने पैसे मांग रहे थे? 95। दांत मुँह हो गई है, ये जी मुँह से 4 दांत है। ये नागरा चेक करो, इसका 95,000 मांग रहे हैं वाइट आइज में। नकोड़ा शकोड़ा चेक करो आप, इसका 4 दांत है और 95 डिमांड है। और चीने के कितने पैसे हैं? वो चीने इसका 95 है, और चीने के कितने पैसे हैं? चीने का 1.10। दांतों में क्या है? दांतों में 2 दांत, दांतों में 2 दांत है जी, 1.10 मांग रहे हैं। ये भी चेक करें जी, इसका 95,000 मांग रहे हैं, इसका नागरा 4 दांत में, इस मक्खी चीने का भाई 1.10 डिमांड है इसकी। दांतों में कितने दांत बताए थे? चौक की कन्नी लगाई है इसने, चौगा हो गया। ये चेक करो भाई, चपटे सींग है, चलो चल चेक करो। ये भी काला डब्बा, ये भी इनका है। इसके कितने पैसे हैं काले के? ये होटल क्रॉस में है, कितने पैसे? 1.10। 1.10। ये वाइट वाले के? 1.30। ये नहीं, सारे बड़े बकरे इनके पास खड़े हैं, अगर कोई भाई लेना चाहे। ये होटल क्रॉस में है, बीतल, इसमें होटल का और बीतल का क्रॉस है। चेक करें नकोड़ा इसका, चेक करें कानों का हल्का, ये चेक करो माशाल्लाह। वाइट टाइम चाचा मुँह की ये बकरा है? 4 दांत है, ये भी 4 दांत है, वाइट भी 4 दांत है। ये चीना कितने का है? ये भी आपके 1.5 का। दांतों में क्या है? 4 दांत। ये भी, ये सारे बकरे 4 दांत है। 1.5 इसकी डिमांड है, 1.20 इसकी डिमांड है, 1.10 इसकी डिमांड है, 1.20-95। ये जी सारे बड़े बकरे हैं इनके पास, अगर कोई भाई लेना चाहे तो आप शाहपुर कांजरा मंडी विज़िट करो आके। जिस किस्म का भी आपको जानवर चाहिए होगा, शाहपुर कांजरा से आपको मिल जाएगा भाई। 2022 की कुर्बानी के लिए किसी ने खस्सी करने हो जानवर लेके, तो ईद के लिए बंदा रोक सकता है इन बकरों को। ये अच्छे जानवर हैं, अभी जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरेगा तो मज़ीद जानवर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये जोड़ी चेक करो, ये चीना बहुत अच्छा है, 1.5 डिमांड है इसकी, थोड़ा सा फेस टेढ़ा है इसका। चलो जी आगे आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये भाई 55-50 का पुट्ठा मांग रहे हैं ये रेट में। ये जी बाकी सारे जानवर आपको देखे हैं, ये इनकी मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई थी। ये जी भाई के पास अबलग में आएंगे, 45-45,000 रुपये मांग रहे हैं इनका। ये चेक करें, एक पांडा फेस में, ये इसका भी 45,000 मांगा है इन्होंने, एक मैंने इसका रेट पूछा, इसका भी 45 मांगा। ये चेक करो भाई, धुंध और बढ़ती जा रही है, टाइम भी काफ़ी हो गया, लेकिन धुंध को कम होना चाहिए, लेकिन धुंध का नामो निशान कोई नहीं है, धुंध नहीं जा रही। और अली ये चेक करें, ये इनके पास 700 भाई के पास ये मुंद्रा खड़ा है, 40,000 रुपये इसकी डिमांड है। किसी भाई को लेना हो तो रब्ता कर सकता है, अभी खीरा है तकरीबन 8-9 महीने का। और ये इनके पास बच्चे खड़े हैं, मंडी में कस्टमर इतना कम है, रेट भी थोड़ा सा मुनासिब है। ये चेक करें बच्चे, मुख्तलिफ रेट है, कोई 20 का, कोई 25 का, कोई 30 का, डिमांड में बता रहा हूँ। सौदा आपने खुद करना, जहाँ आपको रेट समझ आना है आपने वहाँ पे पैसे भरने। ये भाई चेक करें, ये सारा पट्टी का माल है, लेकिन ये है कि जब वो एल डी वाले आते हैं तो इनको बेचारों को तंग करते हैं, इनको बेचने नहीं देते। ये चेक करें, 40,000-38,000 इस तरह करके डिमांड करते हैं। ये जी देसी मुंदरे हैं, बोता मुंदरा, इसको कहते हैं बोता, इसके कान मुंदरे से ज़्यादा, यानी कि कटे होते हैं ना, यानी कि कटे नहीं होते, ये अलग तरफ से होते हैं, लेकिन छोटे कान होते हैं, वो ऐसे हो जाता है कि मुंदरे का और कजले का क्रॉस हो जाता है, तो उससे फिर बोता आता है। अब ये भाई ने चीना पकड़ा हुआ है, भाई कितने पैसे हैं?
55,000 दांतों में क्या है? मुँह की खीरा, मुँह से खीरा 55,000 मांग रहे हैं। इसका कोना मक्खी जीना बकरा ये ओ हो ये मोटरवे खुल गई है? नहीं अभी भी नहीं खुली मोटर। ये चेक करें ये सारे क्वेटा बड़े बड़े बकरे। भाई कितने पैसे हैं इसके? भाई पैसे बताना इसके। ये वाला ये तो पैसे बताना जरा, किन्ने पैसे मांग रहे हो? 85,000 सिंगा वाले तो किन्ने मांग रहे? 80,000 85,000। भाई ये बकरे चेक करो, बड़े हैवी बकरे हैं इनके। किसी भाई ने गोश्त के लिए लेने हो या शादियों में ये बकरे चलते हैं ज़्यादा। इनके बहुत हैवी बकरे हैं, इनके एक बकरे में 35-40 किलो गोश्त होगा, 35-35 किलो, कहीं नहीं गया। ये चेक कर लें, ये भैया क्वेटा का माल है। और भाई क्या हाल है? क्वेटा का माल है, इन बकरों को आप रख नहीं सकते। ये आप रखोगे तो बीमार हो जाएंगे आपसे। ये जानवर लो और एक दो दिन में इनको ज़िबा करो। ये वो वाला माल है। बाकी इंशाल्लाह अगली मुझे अच्छी छुट्टी आती नहीं कि दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।